नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए बेब्स हिंदू मंदिर अबू धाबी इन यूएई एक ट्रेडिशनल हिंदू वर्शिप प्लेस है जिसे बना रही है बेब्स स्वामी नारायण संस्था। ये लोकेटेड है अब मुरा में, जो दुबई के अबू धाबी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अलबा के बिल्कुल नजदीक है एंड वेरी क्लोज टू शेख जायद हाईवे। ये सिर्फ यूएई का ही नहीं पूरे वेस्ट एशिया का फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल होगा। यूएई के अबू धाबी का ये फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल एक हेवन होगा इन डेजर्ट, एक ओएसिस ऑफ पीस हार्मनी एंड इंक्लूसिवनेस जो यूएई के मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ पीसफुली एग्जिस्ट करेगा और दिखाएगा भारत के हिंदू धर्म का एंशियंट आर्किटेक्चर दुनिया को। ये मंदिर इंस्पायर्ड है बाई प्रमुख स्वामी महाराज और इसे ब्लेस किया है महंत स्वामी महाराज ने और इसमें एक ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर के सभी एस्पेक्ट्स एंड फीचर्स हैं। और ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं होगा, ये एक फुल्ली फंक्शनल सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स होगा। इस मंदिर में लगने वाली मूर्तियाँ भारत के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी जगह से बनकर आ रही हैं। ये मंदिर यूएई और भारत के मजबूत रिलेशन की गवाही देगा और इस मंदिर में 7 शिखर होंगे जिनका कंसेप्ट लिया गया है यूएई के 7 एमीरात से, जिनके नाम है अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजेरा, रास अल खेमा, शाजा, अल क्वैन। इस भव्य मंदिर में लगने वाला पिंक सैंडस्टोन मंगाया गया है राजस्थान से और इसमें जो व्हाइट मार्बल लगेगा वो आया है इटली से। और इन पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है, जो कारीगरी की गई है, वो की गई है भारत के गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में और उसके बाद इन कारीगरी किए हुए पत्थरों को लाया गया है अबू धाबी। इस मंदिर का पूरा बाहरी स्ट्रक्चर बना है राजस्थान से आए हुए पिंक सैंडस्टोन से, लेकिन इस मंदिर के अंदर जितना भी काम हुआ है वो काम हुआ है इटालियन मार्बल से। चाहे इस मंदिर का फ्लोर हो, सीलिंग हो या पिलर्स हो, यहाँ पर सारा काम इटालियन व्हाइट मार्बल का है। और अगर आप इसकी सीलिंग को देखेंगे, इसके डिफरेंट कॉलम को देखेंगे तो हर पिलर पर डिफरेंट कारीगरी की गई है और ये सारी कारीगरी की है भारत से आए हुए कारीगरों ने। आपको सीलिंग पर, पैनल पर, हर जगह भारत के एंशियंट कल्चर और हिंदू प्रैक्टिस की झलक दिखाई देगी। यूएई में रहने वाले हिंदू लोग इस मंदिर को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वो यहाँ पर आकर खुद श्रमदान कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस मंदिर में सेवाएं दे रहे हैं, इस मंदिर के निर्माण में पूरी सहायता कर रहे हैं। Helping in any which way they can. मैं यहाँ पे 5 साल से हूँ और यहाँ पे हिंदू मंदिर में मैं सिक्योरिटी में सेवा कर रहा हूँ और एवरी वीकेंड और कोई भी छुट्टी है तो मैं यहाँ पे सेवा के लिए आता हूँ और मेरी फैमिली के साथ आता हूँ। तो मेरी बच्ची भी 2 साल की है, सब लोग यहाँ पे पूरे दिन सेवा में रहते हैं और जो मंदिर जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा मंदिर की हम लोग मेरी टीम के साथ पूरा सिक्योरिटी की हम सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है जब भी कोई भी फेस्टिवल होते हैं, हम सब लोग यहीं पे आते हैं और सब लोग गेट टुगेदर यहीं पे करते हैं। बहुत दिन से हम लोग आते हैं, बहुत दिन से हम लोग आते हैं। हर महीने में हम लोग शनिवार को 1 तारीख को आते हैं इधर घूमने के लिए और हमेशा हम लोग आएंगे और आगे भी मंदिर चालू हो जाएगा तो और भी आएंगे, ज्यादा भी आकर के आएंगे। यूएई के बेब्स हिंदू मंदिर को बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन टीम है उसका पूरा ध्यान है सस्टेनेबिलिटी पर। इसके लिए वो यूज कर रही है फ्लाई ऐश। अगस्त 2015 में यूएई की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि वो यूएई के अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने के लिए 15 एकड़ जमीन दान देगी और ये अनाउंसमेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर टू यूएई 10 फरवरी 2018 को। बेब्स के रिप्रेजेंटेटिव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद से मिले एट प्रेसिडेंशियल पैलेस और इसके लिए मेमोरेंडम साइन किया गया। जब ये मेमोरेंडम साइन किया गया उस वक्त यूएई की पूरी रॉयल फैमिली मौजूद थी, साथ ही लगभग 250 लोकल लीडर्स। उसके अगले ही दिन फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी या शिला पूजन की सेरेमनी रखी गई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी सेरेमनी को लाइव स्ट्रीम के थ्रू देखा।